तो कीवी के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो ये कीवी का बीज है। इसे 12 घंटे मतलब ताजे फल से आप निकाल सकते हैं। जो कीवी का फल होता है उसे एक फल लीजिए और उससे जो उसके बीज हैं उसे ईजिली आप निकाल लीजिए। इस तरह से उसको रख दीजिए फैला के और करीब आपको 10 से लेकर 12 घंटे तक इस तरह से रख देना है। तब तक जब तक कि ये आपको जिस हिसाब से आप देख पा रहे हो सूखा सूखा ना लगे, तो 12 से लेकर आप इसको 18 घंटे तक इस तरह से रख दीजिए। और जनरली ये गर्मियों में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, मतलब बोने के लायक, जिसको आप बो सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आप जो देख पा रहे हैं जैसे साइड में जो आप देख पा रहे हो सूख चुका है, तो ये ऑलमोस्ट अब तैयार हो चुका है। हम इसे प्लांटिंग करेंगे, प्लांटिंग का तरीका आप देखिएगा। अच्छा, एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो कीवी के बीज है, इसको आप फल को जब काटते हैं कीवी के अंदर ये बीज निकल के आता है, और इसे आप स्पून के ज़रिए या फिर किसी पिन के ज़रिए वहाँ से क्रूज के निकाल सकते हैं ईजिली। और इसमें हजारों सैकड़ों, एक कीवी के अंदर हजारों सैकड़ों बीज होती हैं, आपको कुछ ले लेना है। तो अब आएंगे हम लोग सॉइल कंपोजिशन पे। 70% आप देख पा रहे हो यहाँ पर ग्राउंड कंपोजिशन है और 30% इसमें कंपोज्ड है। इसमें 70% जो है वो गार्डन कंपोज्ड है और 30% जो है सॉइल कंपोज्ड, यानी जो गाय के गोबर। इसके हार्वेस्टिंग का सबसे, अब आते हैं सॉइल कंपोजिशन पे, तो इसका हार्वेस्टिंग का सबसे बढ़िया महीना जो होता है वो होता है मार्च, अप्रैल, मई और जून। इसमें आप इसको कंपोज कर सकते हो। इसमें जो है 70% जो है गार्डन के सॉइल है और 30% कंपोजिशन है, आप देख पा रहे हो, जिसमें कि कंपोस्ट खाद है इसमें। तो अब देखिए इसको हम किस तरह से प्लांट करते हैं। तो चलिए अब इसको देखा जाए। ये देखिए हमारे पास ये हमने तैयार कर रखा है, 30% इसमें कंपोस्ट खाद है और 70% ग्राउंड गार्डन सॉइल है। मतलब स्टार्टिंग में तू, फिर तो अब आते हैं इसके सॉइल कंपोजिशन पे। इसके सॉइल कंपोजिशन में 70% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट है। कंपोस्ट जो है काउ डंग का है। ताकि हम लोग मिला देते हैं कंपोस्ट इसमें, ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंपोस्ट डाल देंगे हम लोग। और जो ये अब कीवी का सीड है हम इसमें ऐसे हल्का हल्का डाल देंगे, ऐसे ही पूरा डाल देंगे। आप गुदा साइड भी डाल सकते हैं, अगर आप सीट निकालें तो और अच्छा लगे। आप गुदा साइड भी ऐसे ही डाल सकते हैं और आप इसको तुरंत ही लगा सकते हैं, यानी कि आप 12 घंटा रख सकते हैं, आप इसको तुरंत भी निकाल के लगा सकते हैं। और जितने भी सीड्स हैं इसमें चारों तरफ इसमें छीट देंगे। हमारा सीड इसमें लग गया चारों तरफ से। अब जो थोड़ा सा सॉइल बचा था इसके ऊपर से बहुत 1 mm 2 mm थिकनेस की ऐसे ही एक लेयर डाल देंगे, ऐसे ही पूरा लेयर डाल देंगे हम इसमें बस। तो हम इसमें पानी देंगे, आपको पानी इतना देना है कि ये जो गमला है गमले के बस आधे तक पानी जाए, पूरा नीचे तक ना जाए। हम इसमें पानी दे देते हैं। तो हम इसका वेट करेंगे, वेट करने के बाद इसमें जितना पानी हो गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लास्टिक से ढक देंगे। तो क्या हम प्लास्टिक ला कर ढकते हैं, तो हम इसको इस प्लास्टिक से ढक देंगे। आप चाहे तो इसको सेलो प्लास्टिक से भी ढक सकते हैं। और इसको फिर ऐसे करके हम फिर इसको सेमी शेडेड एरिया में रख देंगे, जहाँ पर धूप कम आता हो, कि यहाँ पर अच्छे से जर्मिनेट हो सके। और हम इसको दो दो तीन तीन दिन में हल्का सा इसको स्प्रिंकल करते रहिएगा। फिर चलते हैं उसके सेमी शेडेड एरिया में रख देते हैं पहले। तो हम सेमी शेडेड एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पर इनडायरेक्ट धूप आती है, डायरेक्ट धूप यहाँ पर नहीं आती। वो आप आसपास देख सकते हैं सारे ट्रीज व्रीज सब हैं और यहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती है। तो हम इसको ऐसे ही भी वेट करेंगे कुछ दिन, 4-5 दिन के लिए, फिर हम इसको ओपन करेंगे आपके लिए, फिर वीडियो बनाएंगे। अब फिर जब 75 to 60 days में, जब जितने दिन में ही ये ट्री ग्रो करेंगे, फिर आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए ज़्यादा धन्यवाद।